What's going on, everyone? It's your boy Yash. How y'all doing? I hope everyone doing well. एक यंग बेहतरीन टैलेंट जो आए थे लास्ट ईयर के क्रूजरवेट क्लासिक टूर्नामेंट में, वो अब WWE से जा रहे हैं और वो है होहोलुन। होहोलुन ने रिक्वेस्ट किया WWE को अपने रिलीज के लिए और WWE ने उनको रिलीज कर दिया पिछले हफ्ते। लुन रिसेंटली अपने घर हांगकांग में आ गए वेकेशन के लिए और उन्हें पता चला कि उनकी माँ बहुत बीमार है, इसलिए लुन ने डिसाइड किया कि वो अपने घर वापस जाएंगे और अपने बीमार माँ का ख्याल रखेंगे। ये डिसीजन उन्होंने बड़ा अच्छा लिया और इसमें उनकी मैच्योरिटी दिखी कि वो अपने ड्रीम्स पर गिव अप कर रहे हैं अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए। ये बहुत अच्छा हुआ कि WWE ने टाइम वेस्ट नहीं किया उनको रिलीज करने के लिए। हम यही होप करते हैं कि लोन को सक्सेस मिले अपने फ्यूचर के लिए। और जो दूसरी सुपरस्टार रिलीज हुई है वो है ऑल रेड एवरीथिंग ईवा मरी। उनका करियर काफ़ी इंटरेस्टिंग था WWE में। उनकी पहचान हुई WWE टोटल डिवा शो से। ईवा ने बहुत ट्राई किया एक रेसलर बनने के लिए, पर उनके स्किल्स बाकी वुमेन रेसलर्स के लेवल पर पहुंच नहीं सके। उनको ट्रेनिंग दी गई ब्रायन केंड्रिक ने और WWE परफॉर्मेंस स्टाफ ने, पर वो फिर भी एक अच्छी सुपरस्टार बन नहीं पाए। तो फाइनली ईवा मरी को WWE ने रिलीज़ किया 4 अगस्त को। क्यों रिलीज़ किया, ये रीज़न अब तक बाहर नहीं आया, पर WWE बैकस्टेज एजेंट रोड डॉग ने ट्विटर पर कहा कि ईवा मरी का खुद का डिसीजन था WWE से जाने का। दोस्तों, सबसे ज़्यादा मोस्ट अवेटेड कमबैक आज के टाइम में हो रहा है CM Punk का। और अगर आप लोग रेसलिंग और CM Punk के फैंस हैं तो उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। पिछले हफ्ते में आपने देखा कि Hulu ने ये CM Punk की इमेज अपने ऐप पर डाली थी जो कर रहा था एडवर्टाइजिंग स्मैकडाउन लाइव की। जैसे कि आपको पता है, इंटरनेट एक्सप्लोड हो रहा है बिल्कुल CM Punk के रिटर्न र्यूमर्स से। CM Punk जो कि कॉन्ट्रैक्ट में है UFC के साथ, वो एडवर्टाइज हुए स्मैकडाउन के लिए। तो फैंस ने Hulu को ये पिक्चर के बारे में एक्सप्लेन करने को कहा और ये था Hulu का रिस्पॉन्स CM Punk के इमेज पर। हे एडम, हमको यह आर्ट वर्क एक प्रोवाइडर से मिला है, पर हमने अपनी टीम को भेजा है इस सिचुएशन के बारे में और जानकारी मिलाने के लिए। तो आपने देखा कि ये Hulu का आंसर एकदम क्लियर नहीं था, पर देखा जाए तो वो लोग ब्लेम कर रहे हैं ग्राफिक आर्टिस्ट को। उनका ग्राफिक आर्टिस्ट बेशक अप टू डेट नहीं है WWE से, अगर वो CM Punk की इमेज पोस्टर पर डाल रहे हैं तो। इस बात से हमें और एक हिंट मिलती है दोस्तों CM Punk के रिटर्न के लिए। पर दोस्तों, ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि हम आपके सामने एक और हिंट ला रहे हैं CM Punk के WWE रिटर्न की। WWE नेटवर्क आप सभी को पता ही होगा, जिसको खरीदने पर आप हर WWE, WCW, ECW के मैचेस देख सकते हैं। तो अभी 2 दिन पहले ही WWE ने एक बड़ी नेटवर्किंग अनाउंसमेंट की जहां CM Punk भी शामिल है। तो दोस्तों, ये मिला हमें दूसरा हिंट। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि WWE सुपरस्टार समोआ जो और CM Punk दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तो समोआ जो का इंटरव्यू हुआ अभी UK सन से और उन्होंने CM Punk के रिटर्न के बारे में कहा। जो SummerSlam पेपरव्यू को प्रमोट करने आए थे, उनको पूछा गया पंक के रिटर्न के बारे में, तो उन्होंने कहा कि यू नेवर नो विद पंक, ही इज डेफिनेटली समबडी हु डज थिंग्स हिज ओन वे, एंड आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इज दैट यू कैन नेवर काउंट आउट व्हाट इज नेक्स्ट मूव विल बी। नो वन प्रेडिक्टेड हिज शॉकिंग मूव टू द UFC, एंड पंक विल चूज whatever's best for him at that moment.
तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि समोआ जो भी हिंट कर रहे हैं सीएम पंक के रिटर्न के लिए, ये कल के कल नहीं होगा, पर हमें सीएम पंक का रिटर्न जरूर देखने मिलेगा WWE रिंग में। तो दोस्तों, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।